100 साल जिएगा हमारा बेटा। माँ। हाँ बेटा, कैसा है तू? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपकी बहुत याद आ रही है। हम लोगों को भी सारी घड़ी याद आती। कैसा है तू? और बेबी जी कैसी है? बेबी जी बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करिए। इतना प्यार है इस झूठ में रघु, ये मैं चोखी तरह से समझती हूँ। ना तुम्हारे को अपनी हकीकत बता सके हैं और ना मैं थारे को अपनी हकीकत बता सकती हूँ। लेकिन मारे बच्चे, अगर मैं इस वक्त अपना दुख किसी से बांटना चाहती हूँ तो वो बस तू है रघु। माँ क्या हुआ? हाँ रघु, अपनी माँ को ही फोन करेगो। अपनी माँ की याद आती है थारे को? अपने बाप की याद को नहीं आती है थारे को? नहीं बापू, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे हैं आप? मैं एकदम घना चौका हूँ, हमेशा चौका रहता हूँ। अरे को काई हो? माँ ठीक है ना? माँ की चीखने की आवाज आई थी मुझे। अरे थारे को पता है ना रघु, यो बावड़ी लता लो पुरुष की तरह लो महिला बनकर घूमती फिरती है। किचन में काकरोच दिख जाता है ना तो जी पड़ती है। काकरोच देख रही थी। चल बस, तू अपना और बेबी जी का ख्याल रख, हो सके तो घर जल्दी लौटा बेटा। जी बापू। अभी बस एक मिनट पहले मैं घर पे बात कर रहा था माँ बापू से। घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक हैं। क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं? नहीं, वो बस शूट के कारण थोड़ी थकान हो गई है। शूट पे थकान तो होगी, मुझे तो पता ही नहीं था कि शूट पे से एक चीज बार बार करनी पड़ती है। आपने दवाई भी नहीं ली ना आज की? हाँ, ऐसा क्यों करती हैं आप? रुकिए मैं लेके आता हूं, आप लीजिए, जल्दी सो जाइए फिर, ठीक है? जी, अगर मुझे जरा सा भी नोइंग होता ना कि ये सुमित्रा ही सब डूइंग करने वाली आपके साथ, तो मैं उसे कभी सच टेलिंग नहीं करती। मैं तो उसे इसलिए सब कुछ बताया ताकि मैं उसका विश्वास भी नहीं कर सकूं। मुझे माफ कर दीजिए माया। अरे नहीं माया, तू ऐसा मत ही बोल। यो सब दर्द सहने की ताकत है हमारे में। सुमित्रा जितना जुलुम ढाएगी ना हम लोग पर, उतना मजबूत होते जाएंगे हम लोग। अपनी घर को पाने के वास्ते काई काई करना पड़ रही हो? तारे को आग पे चलना पड़ रहा है,
यो माया, उसको शराब पीनी पड़ी, शराब। नहीं बाबूजी, मैंने उस दिन शराब ड्रिंकिंग नहीं की थी। माया ठीक कह रही है बापू, जब राजेश का गिलास गिरा तो मैंने शराब के गिलास को शरबत के गिलास से बदल दी।